तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं डेटा हैंडलिंग टूल्स पे। हमने लास्ट क्लासेस में फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस किया था, आज हम बात करेंगे डेटा हैंडलिंग टूल्स में। डेटा हैंडलिंग टूल्स में हम शुरुआत करेंगे शॉर्टिंग एंड फिल्टर से, उसके बाद हम पिवट टेबल तक जाएंगे। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आप लोगों को दे रहा हूँ और साथ में हम यहाँ एक एक्सेल डेटा ओपन करते हैं, क्योंकि शॉर्टिंग के लिए डेटा की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास डेटा है, मुझे इस डेटा को सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सॉर्टिंग का हम इस्तेमाल करते क्यों हैं। बेसिकली हमें किसी एक के अकॉर्डिंग सिक्वेंसली अरेंज करना होता है तो सॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे सॉर्ट करना है नेम वाइज, तो मैं यहाँ ए टू जेड या जेड टू ए कर दूंगा, सिंपल। यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब आप शॉर्ट करते हैं तो अगर आपको डेटा अनसॉर्ट करना हो तो क्या होगा, क्योंकि डेटा अगर अनसॉर्ट करना हुआ तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आपको ऐसा लगा कि आप शॉर्ट करने से पहले डेटा अनसॉर्ट करना पड़ सकता है तो आप क्या करेंगे, आप जो है शॉर्टिंग करते समय जिसका ध्यान रखेंगे कि हम कोई एक यूनिक नंबर हो, सिक्वेंसली नंबर हो, अगर नहीं है तो आप जनरेट कर ले। ये चीज ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि कई बार केसेस में जरूरत पड़ती है तो मुश्किल होता है अनशॉर्ट करने का। इसलिए अगर डेटा शॉर्ट करने की शुरू कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि कल के डेटे में डेटा को अनसिक्वेंस करूँ, अनशॉर्ट करूँ, तो वहां पे इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक सिक्वेंस नंबर ले लें ताकि अनसॉर्ट करना हो तो उसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करें। जैसे मान लीजिए नेम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, लेकिन नहीं, मुझे नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करके हमने गलती किया, तो कंट्रोल जेड कर सकते हैं जब फाइल ओपन है तो। अगर फाइल क्लोज हो गया तो कंट्रोल जेड भी नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में इसको सेलेक्ट करें और वापस जो एक आपका सीरियल नंबर था जो आपने क्रिएट किया था या पहले से था उसके अकॉर्डिंग सेट ए टू जेड कर दीजिए, वापस डेटा आपका अनसॉर्ट हो जाएगा। अब डेटा शॉर्ट करते समय एक तो है कि आपने कर्सर रखा और शॉर्ट कर दिया, लेकिन कर्सर रखा और शॉर्ट कर दिया, ध्यान रखिएगा कि आपके डेटा में कोई ब्लैंक रो ना हो। अगर ब्लैंक रो हुआ तो डेटा आपका शॉर्ट नहीं होगा, मतलब नीचे का डेटा, ऊपर का डेटा हो जाएगा। जैसे सिलेक्शन मेथड में मैंने पढ़ाया था आपको, तो इसके ऊपर का डेटा हो जाएगा, नीचे का डेटा नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। तब तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब शॉर्ट में किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग करना है, जैसे मुझे मान लीजिए कि शॉर्ट करना है सेल्स मोड के अकॉर्डिंग, तो हमने सेल्स मोड पे कर्सर रखा और यहाँ शॉर्ट में ए टू जेड कर दिया, शॉर्ट हो गया। बट मुझे सेल्स मोड में यहाँ पे देखिए नेम सीक्वेंस नहीं है, मैं चाहता हूँ नेम भी सीक्वेंस हो, क्वांटिटी भी सीक्वेंस हो, तो उस केस में हम शॉर्ट में कस्टम शॉर्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पे एक और एड लेबल करते हैं और यहाँ से हम लेते हैं शॉर्ट नेम। तो अब नेम शॉर्ट होगा तो इसके अंदर जो नेम है वो शॉर्ट हो जाएगा। देखिए शॉर्ट हो गया, डेटा का भी ज्यादा है इसलिए दिख रहा होगा ऐसे। अब इसी में मान लीजिए मुझे क्वांटिटी भी शॉर्ट करना है, क्योंकि देखिए इंदर का यहाँ 43 है, 53, 57, फिर 21 हो गया, तो ये भी एक सिक्वेंसली हो। तो हम कस्टम शॉर्ट में हम जाते हैं और यहाँ हम ऐड डेटा ऐड लेबल पे क्लिक करते हैं, इसको नीचे करता हूँ हाँ, और यहाँ पे हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देते हैं। तो जनरली इसका शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे मंथ वाइज शॉर्ट करना है तो क्या होगा। तो अगर आपने मंथ वाइज शॉर्ट किया तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका मंथ अल्फाबेटिक शॉर्ट होगा, अप्रैल आएगा, फिर अगस्त आएगा, फिर दिसंबर आएगा, इस तरह से आपके कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट नहीं होगा। आप चाहते हैं कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो तो कस्टम शॉर्ट में जाना होगा और यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट कीजिए, जहां पे जे टू और ए टू जे सिलेक्ट करते हैं उसी जगह पे आपको जो है कस्टम
लिस्ट मिलेगा। जी हाँ, कस्टम लिस्ट। और यहां पे आप जैन फैम सेलेक्ट करके एंड ओके कीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। आप कुछ लोग कहेंगे सर मुझे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो कस्टम शॉर्ट में आप यहां कस्टम लिस्ट में आइए और अपना लिस्ट, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का लिस्ट तो है नहीं, तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग लिस्ट बना सकते हैं कि भाई अप्रैल पहले आए, एक एक करके लिस्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए या टाइप कर दीजिए। हमने बना दिया और इसको यहां से हम ऐड करते हैं और उस लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड ओके नेक्स्ट। तो इसे मंथ में ही नहीं, मान लीजिए आपको इंदर को भी शॉर्ट करना है कि मैं इसको नेम को भी शॉर्ट अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो आप कस्टम शॉर्ट में नेम को सिलेक्ट कीजिए। और मैंने आपको बताया था जब मैंने होम मेनू बार पढ़ाया था कि कस्टम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपना जो क्रिएट किया गया कस्टम लिस्ट है वो ले लीजिए, या नहीं है तो न्यू लिस्ट पे क्रिएट कर लीजिए या कहीं से सिलेक्ट करके इम्पोर्ट कर लीजिए एंड इसको ऐड, इसको सिलेक्ट किया देन ओके। अब पहले पूछा है उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग है जो लिस्ट था। ये तो सॉर्टिंग होगी डेटा के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं जब कोई डेटा रीड करते हैं तो हम उसको कलर कर देते हैं उस इस तरह से, तो हमें सॉर्ट करना है कलर के अकॉर्डिंग। तो यहां हम आते हैं कस्टम सॉर्ट, और यहां पे हम क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हैं सेल वैल्यू। अब सेल वैल्यू पे करोगे तो वैल्यू अकॉर्डिंग सॉर्ट होता है, मुझे सेल का कलर चाहिए तो कलर को सिलेक्ट कर लिया। अब इस क्वांटिटी वाले कॉलम में जितने भी कलर्स होंगे सारे कलर्स आपको यहां दिखेंगे, जैसे यहां पे येलो है यहां पे येलो कलर दिख गया दैट ओके। अब देखिए यहां पे सारे कलर ऑन द टॉप आ, तो इस तरह से कलर के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं। या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी आपने आइकन वगैरह इस्तेमाल किया हुआ, इसमें मैंने आइकन इस्तेमाल कर लिया, मैं चाहता हूं आइकन के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो तो भी हम सॉर्ट के अंदर, कस्टम सॉर्ट के अंदर हम यहां पे एमआरपी को सिलेक्ट करते हैं और सेल वैल्यू या सेल कलर को नहीं, सेल कंडीशन फॉर्मेटिंग आइकन को सिलेक्ट करते हैं और यहां आइकन लेते हैं ऑन द टॉप ऑन द बॉटम जो लेना है देन ओके। तो यहां पे देखिए शॉर्ट हो गया। अब कभी मान लीजिए मुझे इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके टेक्स्ट में कैपिटल और स्मॉल होता है इस तरह, अगर आपने सॉर्ट कर दिया है जैसे मैंने ए टू जेड सॉर्ट कर दिया, तो देखिए यहां पे आपके स्मॉल कैपिटल मिक्सअप है, तो कस्टम सॉर्ट पे आइए और यहां ऑप्शन होता है, ऑप्शन में आइए के सेंसिटिव को क्लिक कीजिए देन ओके देन। अब क्या होगा कि जो आपका स्मॉल लेटर है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, कैपिटल लेटर आपका एक जगह इकट्ठा, इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, कभी भी शॉर्ट करते समय जब डेटा शॉर्ट करते हो तो यहां पे हेडिंग के जगह पे कॉलम एबीसी दिखेगा, जैसे कि इस तरह से। एक अब दिखता है जब आपका माय डेटा हैज ए हेडर पे क्लिक नहीं होता है, जब इसको क्लिक करेंगे तब इसको आपको यहां दिखेगा ओके। उसके बाद सॉर्टिंग में जैसे कि हम तो लेफ्ट टू राइट करते हैं, हम राइट टॉप लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम दोनों कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मंथ डालता हूँ और यहाँ पे सेल,
इसको सेलेक्ट किया कस्टम शॉट और यहां ऑप्शन में आया लेफ्ट टू राइट कर लिया, वो वन या रो टू जो भी है सिलेक्ट कीजिए, आपका शॉर्ट। तो सॉर्टिंग की फीचर थी। सॉर्टिंग के बाद हम बात करते हैं फिल्टर। फिल्टर क्या होता है जैसे सर, हेलो बोलिए सर, सॉर्टिंग से क्वेश्चन है अभी पूछ लूंगा बाद में, क्वेश्चन मैंने पूछ लीजिएगा। अच्छा वो बाद में, ऐसे भी आज मंडे है और मंडे के दिन आप नहीं हम क्वेश्चन पूछते हैं। सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया क्या है? सर मंडे के दिन आप नहीं हम क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा आप तो क्वेश्चन आज हम पूछेंगे आपसे सर। ठीक है सर, आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा लेकिन पहले आपको मेरा क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ओके सर ठीक है सेशन, क्योंकि अभी हमारा क्या एक सेक्शन होम मेनू का खत्म होगा। ओके तो कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे ताकि पता ना चले कि मैंने तो पढ़ा दिया बट आपने क्या पढ़ा। ओके ठीक ठीक सर पूछ लीजिए। तो अब हम फिल्टर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है कि जो डेटा आपको दिख रहा है इसमें से कुछ पार्टिकुलर डेटा को विजुअल करना है उसके लिए फिल्टर यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए 3000 का डेटा है, इसमें 3400 का डेटा है, अब कोई चीज ढूंढना है किसी पर्टिकुलर चीज पे तो कंट्रोल एफ करके तो ढूंढा जा सकता है ना फाइनल रिप्लेस फाइंड से, लेकिन वो वन बाई वन है। ऐसे मुझे मान लीजिए ना कि मुझे जैसे ये पता करना है कि हमारे ऑनलाइन जो सेल हुई है उसमें ग्रेटर देन 50 वाले क्वांटिटी जो कि एक पर्टिकुलर साइट से आईपीटी इंडिया से सेल हुआ है, बस ये पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्राइटेरिया हमारा है ऑनलाइन, कि ऑनलाइन के अंदर अब यहाँ पे क्वांटिटी में, अब यहाँ तो हम इस तरह से 1-2-3 सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे नंबर फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे आता है आपका ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन में मैंने दे दिया 50, ग्रेटर देन या यहाँ पे कीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू है उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ आईपीटी इंडिया, हालांकि आईपीटी इंडिया ही है तो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी जो डेटा विजिबल हो रहा है हमारा वो मेरे कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन ग्रेटर देन 50 एंड आईपीटी इंडिया का डेटा शो हो रहा है। बाकी डेटा कहाँ गया, तो बाकी डेटा है हाइड हो गया यहाँ पे हाइड। तो फिल्टर की कैटेगरी तीन तरह का होता है। पहला फिल्टर होता है हमारा टेक्स्ट का, दूसरा होता है नंबर का, तीसरा होता है डेट एंड टाइम का। वन बाय वन तीनों पढ़ते हैं। सबसे बात करते हैं टेक्स्ट फिल्टर का। जैसे कि आप यहाँ जब इसको ड्रॉप डाउन करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट आते हैं, तो आप इसमें क्लिक करके ढूंढ सकते हो। सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि लिस्ट इसमें मान लीजिए कि ज़्यादा हुआ तो दिक्कत हो सकता है, तो सर्च कर सकते हैं आप। लेकिन आपको पता है कि एग्जैक्ट किसी को हाईलाइट करना है तो आप यहीं पे टेक्स्ट फिल्टर पे इक्वल टू एक पर्टिकुलर वर्ड आपको पता है डज नॉट इक्वल टू, उसके अलावा सारा चाहिए, मुझे ऑनलाइन के अलावा पूरा चाहिए तो डज नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑनलाइन दे दूंगा। अब ऑनलाइन नहीं है बाकी सारा है इसमें। उसी तरीके से यहाँ पे बिगेन विद, अब जैसे कि मान लीजिए मुझे पूरा नहीं, मान लीजिए देखिए ना ईएक्स कस्टमर है तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर ईएक्स कस्टमर दोनों में से लिखा रहता है, या रेफरेंस में आरएफ या आरएफ रेफरेंस पूरा फुल वर्ड में लिखा रहता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि भाई स्टार्टिंग आरएफ होना चाहिए, उसका आगे आरएफ के बाद हैश हो या रेफरेंस हो, तो यहाँ आपको हाईलाइट कर देगा, सॉरी फिल्टर कर देगा। आपको एक कंडीशन दे सकते हैं एंड बी कंटेन, कोई पर्टिकुलर वर्ड ले सकते हो डज नॉट कंटेन। कस्टम फिल्टर दो तरह के फिल्टर इसमें लगा सकते हो। दो तरह के फिल्टर मतलब कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दो चाहिए तो आप यहाँ से जो है दे सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे ऑनलाइन चाहिए, मुझे पे मुझे डायरेक्शन चाहिए, क्लिक कर सकते हो। लेकिन कंडीशन, दो कंडीशन चाहिए, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि भाई स्टार्टिंग में दो तरह की चीज़ें हैं, स्टार्टिंग में ईएक्स होना चाहिए या आरएफ होना चाहिए, दोनों में से कोई हो तो ले लें। तो उस केस में मैं यहाँ पे आता हूँ विगेन विथ में, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि EX, और यहाँ पे और लगाता हूँ, और यहाँ पे अगेन बिगेन विद, और यहाँ पे RF कर देता हूँ। देखिए RF और EX दोनों आ गया।
यहाँ पे आपने देखा कि और हमने इस्तेमाल किया क्योंकि दोनों में से कोई एक चाहिए, दोनों हो एक हो कोई बच चलेगा। एंड का यूज कब होता है कि उस सेल के अंदर में ये दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए तब इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पे पूजा है और कहीं कहीं भी यहाँ पूजा सिंह है हमारा, तो पूजा पूजा सिंह जो है एक पर्सन नहीं है, डिफरेंट पर्सन है, तो मुझे पूजा सिंह का करना है, तो पूजा सिंह है और कहीं पे पूजा कुमार सिंह भी है, मतलब कि पूजा और सिंह, कुमार सिंह और पूजा सिंह दोनों एक पर्सन है, बट पूजा और पूजा कुमार सिंह या पूजा सिंह अलग अलग पर्सन है, तो मुझे इसमें पूजा सिंह को फिल्टर करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ टेक्स्ट फिल्टर में आएंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे विगन विथ, यहाँ पे डालेंगे हम पूजा, एंड रखेंगे अगेन विगन विथ जाएंगे, एंड विथ माफ कीजिए, इसमें एंड विथ होगा, एंड विथ से तो पूजा सिंह हो पूजा कुमार सिंह हो दोनों हाईलाइट हो जाएगा इसमें। ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट फिल्टर था। टेक्स्ट फिल्टर समझ में आ गया? अब इसमें आप बात करते हैं, इसी तरह के हमारे पास नंबर फिल्टर होते हैं। नंबर फिल्टर, जिस कॉलम में नंबर है उसको नंबर फिल्टर कहा जाता है। तो यहां भी एक पर्टिकुलर नंबर को फिल्टर करना तो यहां कर सकते हो, फिल्टर बाय कलर, कलर है तो उसको फिल्टर कर सकते हो। कलर फिल्टर सिर्फ नंबर में नहीं, हर में आता है अगर कलर होगा तो। इसमें देखिए कलर फिल्टर डीएक्टिवेटेड है क्योंकि इसमें कोई कलर ही नहीं है। अगर मैं इसमें कोई कलर ऐड कर दूं तो यहां भी आपको कलर फिल्टर शो होगा। उसके अलावा नंबर फिल्टर में आते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। जैसे टॉप 10 में सेलेक्ट करिए भाई हाईएस्ट टॉप 10 या टॉप 5 सेलर चाहिए, ओके कीजिए, यहां आ जाए। उसे टॉप 5 ने किया तो इतने सारे आए, ये रिपीटेड थे इसलिए इतने सारे आए। एक ही वैल्यू अगर रिपीटेड है तो आएगा ही नहीं। मान लीजिए ना कि 100 दो बंदो दो लड़कों ने 100 लाया तो अपने एक का फर्स्ट डिग्री में किसी एक का शो होगा, दोनों का शो होगा। अबव एवरेज मतलब कि इस कॉलम का जो एवरेज होगा, इसका एवरेज हम देखें, इसका एवरेज है 50, तो 50 से ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लेगा, फिल्टर कर देगा आपका अबव एवरेज, और बिलो एवरेज उससे नीचे वाले। कस्टम फिल्टर, जैसे आपने यहाँ अभी, मैंने अभी दो कंडीशंस को मैच किया, ऐसे दो कंडीशन लगाने हो एंड और के साथ तो इसका यूज हम करते हैं कस्टम फिल्टर का। उसके बाद आती है डेट। डेट फिल्टर में एक चीज होती है, जैसे आप क्लिक करते हो तो एक तो पर्टिकुलर आपका ईयर वाइज यहाँ से ग्रुप हो जाता है, फिर मंथ वाइज हो जाता है, तो ऐसे आप पूरा का पूरा एक डेट को या पूरा मंथ को या पूरा ईयर को सिलेक्ट कर सकते। इसके अलावा अगर हम इसकी डेट फिल्टर पे जाते हैं तो यहाँ पे है इक्वल एक पर्टिकुलर डेट, जैसे हमने मान लीजिए कि एक डेट है तो आप यहाँ पे एक डेट अपने हिसाब से टाइप कर सकते हो, यहाँ पे या फिर यहाँ कैलेंडर दिया गया है, आप कैलेंडर पे सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो जो सिलेक्ट करेंगे वो फिल्टर हो जाएगा। तो डेट आप डाल सकते हैं इक्वल, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, ये डेट आप अपने हिसाब से डेट इसमें डालेंगे। इसके नीचे जो आता है वो आपके सिस्टम डेट से कनेक्टेड होता है। जैसे आपने कंडीशनल प्रॉपर्टी में डेट ऑकरिंग पढ़ा था कि टुमारो, टुडे, यस्टरडे, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, यहाँ से ईयर टू डेट। ईयर टू डेट डालोगे तो एक एक 2021 से आज तक की जो डेट है मार्च 15 मार्च वहां तक का डेट आ जाएगा। लेकिन आपके डेटा एक साल का नहीं है, कई सालों का है, तो ऑल डेट इन पीरियड में आई। जैसे मैंने क्वार्टर वन किया तो जितने साल का डेटा इसके अंदर है वो आपका क्वार्टर वन हाईलाइट कर देगा, क्वार्टर टू भी करेगा, क्वार्टर थ्री भी आपको भी करेगा।
एक पीरियड होता है, जनवरी से लेकर किया 3 साल का डेटा है 2019-20-21, तो जनवरी 2021, जनवरी 2020, जनवरी 2019 सब सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फिल्टर का है, और फिल्टर में कोई खास अब चीज नहीं है। अब बात करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस की। तो अब कंट्रोल एफ करना तो हमें लगता है सिखाना पड़ेगा, लेकिन हाँ इसके अंदर ऑप्शन वगैरह है, जैसे कि आपको मान लीजिए आपने पूजा सर्च किया तो पूजा सिंह को भी ले सकता है। आप कहते हैं नहीं मैच होना चाहिए इंटायर, पूजा ही होना चाहिए, तो मैच केस कर या मैच इंटायर सेल कंप्लीट कर दीजिए। कैपिटल है स्मॉल का चक्कर है तो ये कर सकते हैं आप सीट वाइज करना चाहते हैं, आप पूरे वर्कबुक में फाइंड करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो, आप बाहर कंटेन करना चाहते हैं फॉर्मूले के अंदर करना चाहते हो तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप फॉर्मेटिंग भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पूजा वो हो जिसके जिसमें कलर येलो कलर हो तो यहाँ से आप येलो कलर फॉर्मेट में सिलेक्ट कर सकते हैं, और सेम आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक सिलेक्ट का ऑप्शन आता है, गो टू स्पेस हम लोग बोलते हैं, ये क्या करता है कि आप अपने डेटा में सिलेक्शन कर सकते हो एक पर्टिकुलर पार्ट को, जैसे कि मुझे सिलेक्ट करना है फॉर्मूला जिसका नंबर टेक्स्ट में हो, नंबर रिजल्ट नंबर में हो, इसमें कोई नहीं। अब मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे फॉर्मूला दे देता हूँ, अब मैंने क्या किया जहां फॉर्मूला लगा है उसको हाईलाइट करना है, तो कंडीशनल कन्वर्टिंग इसको हाईलाइट नहीं करेगा, उसके लिए हम यहाँ आते हैं फाइनल सिलेक्ट के गो टू स्पेशल में, और यहां पे हम करते हैं फॉर्मूला सेलेक्ट हो गया, आपको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो होम मेनू बार मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसमें कुछ ट्रिक, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें एक दो जगह पे ट्रिक इस्तेमाल किया है, लेकिन आज जो है कुछ ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूं। जैसे आपके सामने डेटा है तो इसमें दो चीज मैं बता रहा हूं, फिर एक चीज आपको ढूंढनी है अभी, और फिर उसके बाद एक चीज और मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर इंसर्ट मेनू बार की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि आपके सामने यहां डेटा दिख रहा है, अब इस डेटा को मुझे क्या करना है कि हर एक कॉलम के नीचे एक ब्लैंक कॉलम ऐड करना है, इस तरह से हर एक कॉलम के नीचे इस तरह से ब्लैंक लाइन ऐड करना। तो कैसे ऐड होगा, एक एक क्योंकि 4000 सीट्स है, एक एक ऐड करेंगे तो सुबह हो जाएगा। इसमें हमारा सॉर्टिंग मदद करता है, ध्यान से देखिए, एक काम करता हूं मैं थोड़ा छोटा डेटा कर देता हूं तो समझ पाएंगे आप, बड़ा डेटा है थोड़ा सा। तो मैं क्या करूंगा कि इसके नीचे सीरियल नंबर का एक कॉलम ऐड कर दूंगा बाद में, लास्ट में, सबसे लास्ट में, बाद में उसको डिलीट करना है, और फिर इस पे हम सीरियल नंबर को इस तरह से ड्रैग कर लेंगे और इसी सीरियल नंबर को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब क्या है कि मुझे क्या करना है कि इन सबों को उठा उठा के, मतलब कि जब सॉर्ट करेंगे हम आपको तो क्या होगा, उठ के ऊपर वन के नीचे इस तरह से आ जाएगा। अब जानते हैं सॉर्ट जब आता है तो एक सिंगल रो नहीं, पूरा का पूरा रो आता है, एक सिंगल सेल नहीं आता है, तो जब ये सॉर्ट होगा तो ए वन उठ के यहाँ इसके नीचे चला जाएगा, वन एक वन के पास डेटा है, एक वन के पास ब्लैंक है, बाद में जब इसको डिलीट कर देंगे तो एक ब्लैंक एक डेटा, एक ब्लैंक का डेटा हो जाएगा। तो हम सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर रहे हैं। ओके? ये प्रॉब्लम, ये जो एग्जांपल मैंने दिया सबको समझ में आया या किसी को डाउट है? आगे सर,
मान लीजिए कि मैं यहां से इसको हटा देता हूं, मुझे क्या करना है कि सारे ब्लैंक को रिमूव करना है। तो फिल्टर करके डिलीट कीजिए कॉलम, तो डिलीट करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम डिलीट करने के बजाय, प्रॉब्लम भी होती है और साथ में स्लो भी हो जाता है अगर बड़ा डेटा है तो उस केस में हम क्या करते हैं, कस्टम शॉर्ट पे आते हैं और हम किसी एक के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है कि मेरा ब्लैंक नीचे चला जाता है। तो अभी आपने देखा कि मैंने हर एक कॉलम के बाद, हर एक रो के बाद एक नया रो ऐड किया इस तरह से। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए कि हर 3 के बाद ऐड करना हो तो कैसे होता, यहाँ पे 1 2 3 उसके बाद ऐड करना, मैं मुझे सब टोटल देना है। मैं मंथ, हर मंथ 3 3 बार है, 4 4 बार है, 3 3 बार मान लीजिए ना, हर 3 के बाद एक ब्लैंक रो ऐड करना। यही क्वेश्चन है मेरा आज का। आप लोग के दिमाग में आइडिया है या थोड़ा सा टाइम चाहिए रिसर्च के लिए? सुधीर जी, चलिए मैं आपसे शुरू करता हूं। सर मैं सोचता हूँ 1 मिनट। ओके ठीक है, 1 मिनट नहीं, मैं आप लोगों को 5 मिनट देता हूं, आप लोग ओके दीजिए और वन बाई वन करके मुझे बताइए। फिर आप लोग जो बताएंगे तो एक और इसी तरह का ट्रिकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ओके सर। ठीक है? 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, ओके? ओके सर।